भारत से अपने फेसबुक प्रेमी के लिए पाकिस्तान जाने वाली अंजू एक बार फिर वापस लौट आई है। अंजू पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अपने आशिक नसरुल्ला के लिए गई थी। बाद में अंजू ने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाया और नसरुल्ला से निकाह भी कर लिया। उसने अंजू से अपना नाम फातिमा कर लिया। बच्चों से मिलने के नाम पर पाकिस्तान से भारत आई अंजू से बच्चों को ही नहीं मिलने दिया जा रहा। अंजू को सोसाइटी में प्रवेश करने के लिए भी मना कर दिया गया है, इसलिए सोसाइटी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सोसाइटी के गेट पर आने जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। पाकिस्तान से अंजू के वापस आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। अंजू से पूछताछ हुई है। दूसरी तरफ आईबी की टीम ने अंजू के बच्चों से भी बातचीत की। इसी बीच एक और खबर सामने आ रही कि आखिर अंजू है कहाँ। 5 महीने पहले भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू का कहना है कि वो भारत अपने बच्चों को लेने आई है, लेकिन अंजू दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर आने के बाद से ही गायब है। ना तो वो बच्चों के पास पहुंची है और ना ही अपने पिता के घर। भिवाड़ी की सोसाइटी में रहने वाले अंजू के बच्चों और अरविंद ने उनसे मिलने को मना कर दिया है। बच्चों ने अंजू को सोसाइटी में प्रवेश नहीं देने के लिए कहा, इसलिए सोसाइटी के गेट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। किसी को भी अरविंद के फ्लैट में आने जाने की अनुमति नहीं है। सोसाइटी में आने जाने वाले प्रत्येक वाहन की चेकिंग की जा रही है। अनजान लोगों को पूछताछ के बाद ही सोसाइटी में एंट्री करने को मिल रहा है। अंजू के वापस आने के बाद नसरुल्ला भी भारत आने की तैयारी में है। उसने अब बड़े बड़े खुलासे भी किए हैं और अपने आगे का प्लान भी बताया है। उसने यह भी विश्वास जताया कि अंजू वापस अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान आ जाएगी। नसरुल्ला ने कहा, 4 महीने हम साथ रहे, इस दौरान हम खूब घूमे, हम दोनों ने पूरा पाकिस्तान घूमा। यह पूछे जाने पर क्या वह भारत आने की तैयारी कर रहे हैं, इस पर नसरुल्ला ने कहा, मैं जरूर तैयारी कर रहा हूँ। वहीं अंजू की पाकिस्तान नागरिकता को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें अभी वक्त लंबा लगेगा। वही अंजू की पाकिस्तान नागरिकता को लेकर उसने कहा कि इसमें भी वो लगा हुआ है, लेकिन यह प्रोसेस लंबा होता है। पाकिस्तान में अंजू कैसे रहेगी, इस पर नसरुल्ला ने कहा कि यह उसकी मर्जी है। नसरुल्ला से जब पूछा गया कि अगर अंजू अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान आती है तो क्या वह उन्हें अपनाएगा, इस पर नसरुल्ला ने कहा कि वह 200% अंजू के बच्चों को अपनाने के लिए तैयार है। अंजू कितने दिन तक भारत में रहेगी, इस पर नसरुल्ला ने कहा कि यह कोर्ट पर निर्भर करता है, जितना जल्दी केस खत्म हो जाएगा उतना ही जल्दी वो आ जाएगी। एक लड़की जब नहीं रहना चाहती तो वह उसे अपने साथ क्यों रखेंगे।